अगर आप बैंक में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर पैसे डिपॉजिट कराने वाले हैं तो 25 सितंबर से पहले ही ये काम करवा लें, क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल बैंक कर्मचारी इन दिनों मोदी सरकार से खासा नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हड़ताल करेंगे, जिससे सभी बैंकें बंद रहेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मोदी सरकार ने 10 बैंकों के मर्जर की घोषणा की है, जिससे बैंक कर्मचारी खासा नाराज है और बैंक यूनियन ने ये फैसला किया है कि जब तक सरकार बैंक मर्जर नहीं हटाएगी तब तक वो हड़ताल करेंगे और ऐसे में उन्होंने हड़ताल का कदम उठाया है। वहीं बैंक कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने की अनुमति दी जाए। अगर देखा जाए तो बैंक कर्मचारी जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर वो इस तरह से छुट्टियां लेंगे तो बैंक के ग्राहक अपना काम किस तरह करवा पाएंगे। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो कुछ समय पहले ही मोदी सरकार ने बैंक कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा कदम उठाया था और फिर से कर्मचारी इस तरह की मांग कर रहे हैं, जो कि हैरान करने वाली बात है। वेब 23 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।